दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को पता है हमारे देश भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सब कुछ दुश्मनों के हाथों लूट जाने के बाद भी हमारा देश वैभवशाली है, क्योंकि इसकी मिट्टी से उगती है बेशकीमती लाल सोना। जी हाँ दोस्तों, लाल सोना यानी कि लाल चंदन। टॉलीवुड की मशहूर फिल्म पुष्पा अगर आपने देखी है तो आपको पता लग जाएगा कि आखिर ये लाल चंदन को सोने के साथ क्यों कंपेयर किया जा रहा है। इस लाल चंदन को रक्त चंदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके लिए ना जाने कितनों की रक्त बहता है। दोस्तों, लाल चंदन दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जंगलों में पाया जाता है। ये दुनिया का सबसे कीमती लकड़ी है। आप अंदाजा लगाइए इसकी कीमत क्या होगी। चलिए हम ही बता देते हैं इसकी मार्केट में कीमत क्या है। दोस्तों, इसकी कीमत 26 से 30 हजार रुपए पर किलो है। तो एक पेड़ से कम 20-25 किलो लकड़ी निकल जाती है, तो एक पेड़ की कीमत लगभग 6 लाख रुपए है, यानी एक टन की कीमत 2 करोड़ रुपए। क्यों हैरान रह गया ना? आपका हैरान होना भी लाजमी है। आपने सुना होगा डिमांड एंड सप्लाई। दोस्तों, लाल चंदन का इतना महंगा होने का मेन रीजन है इसका सप्लाई। ये सिर्फ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ही मिलता है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में बहुत से सवाल आ रहे होंगे, जैसे क्या होता है इस लाल चंदन से, आखिर क्यों चाइना भी इसके पीछे पड़ा है, किस चीज के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, आप अपने दिमाग पे ज्यादा जोर ना डालें, क्योंकि हम इस वीडियो में हर छोटी बात लाल चंदन से जुड़े हुए बताएंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि ये पेड़ भारत में सिर्फ 2 ही राज्यों में पाए जाते हैं, वो भी कुछ ही जिलों में, मेनली चित्तौड़, कड़प्पा, कुरनाल और नल्लोर में फैले सीसाचलम की पहाड़ियों में। इस बात से आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि ये इतनी कीमती क्यों है। दोस्तों, इस पेड़ को उगने में पूरे 30 साल लगते हैं, और अगर इसकी खेती जैविक सार से किया जाए तो 15 साल लगती है। ये सभी तरीके की मिट्टी में उगती है, लेकिन रेतीले, काले और लाल मिट्टी में अच्छी तरह उगती है। दोस्तों, इसका उपयोग इत्र, औषधि, फर्नीचर आदि में किया जाता है। कुछ लोग इसे विशेष वाद्य यंत्र बनाने में भी उपयोग करते हैं, वहीं कई लोग तो इसे शराब और कॉस्मेटिक में बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। नए शोध से पता चला है कि इसमें ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हो सकता है। दोस्तों, ये बेस कीमती लाल चंदन की सुरक्षा बहुत की जाती है, खास तौर पे सीसाचलम पहाड़ी में फैले लाल चंदन की जंगलों को। इतने सुरक्षा के बाद भी हर साल 20 हजार करोड़ की तस्करी की जाती है। दोस्तों, इसीलिए भारत सरकार ने इसके लिए सजा सुनाई है। जो भी लाल चंदन की तस्करी में पकड़ा जाता है उसे 11 साल की जेल हो सकती है। इसके ज्यादातर तस्करी हमारे पड़ोसी देश चाइना में होता है। सिर्फ चीन ही नहीं, जापान, मंगोलिया में भी इसका डिमांड काफी है। दोस्तों, आपके मन में अगर कोई सवाल रह गया हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उसे भी दूर करेंगे। मगर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ रोमांचक फैक्ट के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।